लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें हाफ वेव रेक्टिफायर सिखाया था। जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ उसके बारे में, फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने ये बताया था कि ये तो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें यहाँ एक डायोड है, ये आउटपुट है जहां से रेजिस्टेंस, इसका हम लोड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, और ये कुछ ऐसा था। अब बेटा ये प्लस माइनस पोलैरिटी बदलती रहेगी हर आधी साइकिल। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि टाइम और विस वी एन ये हुआ, इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस है, इस वाली साइकिल में डायोड रिवर्स बायस है। तो जो तुम्हारा आउटपुट था वो ऐसा है, ठीक है, और बट ये पल्सेट कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन है इसमें। तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द फिल्टर सर्किट। उसको हम फिल्टर सर्किट बोलते हैं, उसको हम फिल्टर सर्किट का नाम देते हैं, विच रिमूव्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो ये सी लगाया। तो होता ये है, इसको अगर और आगे लेके जाएं, डायग्राम को नया बनाएं, तो होगा कुछ ऐसा। चार्ज हो गया, इसके बाद डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, फिर कहीं पे ये चार्ज, फिर ये चार्ज हो जाएगा, और फिर ये ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड रिपल। ये रिपल है। और ये बताया था एग्जाम में तुम्हारे जो सवाल आता है उसका ये आएगा कि अगर इस साइकिल का टाइम पीरियड टी है तो इस साइकिल का भी टाइम पीरियड टी है, और रिपल का भी टाइम पीरियड इस समय टी है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कोई बोलता है 50 हर्ट्ज है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में 50 हर्ट्ज है। और एक दो चीजें और मैंने बताई थी जो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, वो ये था कि दिस इज पीक वोल्टेज, पीक इस केस में जो आरएमएस है वी नॉट बाय रूट टू है, इसमें सॉल्व करेंगे ये आएगा। इस केस में हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू थी, एवरेज फॉर हाफ, पूरी के तो जीरो है, वो इतनी है। और इस केस में इसमें तो जीरो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें नेगेटिव है नहीं। इस केस में एवरेज फॉर फुल बी नॉट बाय पाई है, ये सिखा गया था हमें, ठीक है। दिस वाज व्हाट आई टॉट यू। अब हम इसमें देख रहे हो कि केवल एक डायोड ही लगा है और केवल आधी साइकिल ही तुम्हारी बाहर आ पा रही, ये वाली साइकिल नहीं आ पा रही। तो इस चीज को अब हम एलिमिनेट करेंगे बाय समथिंग कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देखो। सेंटर पे ऐसे डायोड वन, डायोड टू, दिस इज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप, देखो सेंटर से टैपिंग कर ली, बताते हैं कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है ये। तो इसमें जो ये पूरा जो साइकिल है उसका केवल आधा, भाई जो पूरा है उसका केवल आधा ही तो मिलेगा ना। तो अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इसमें हो क्या रहा है।
ये आधा वोल्टेज, इनके पास डायोड के पास आधा वोल्टेज आएगा। तो सपोज करो अभी ये वाला साइड प्लस है, ये साइड प्लस है, ये साइड माइनस है, ये जीरो लेवल पे मान लिया, ठीक है। अभी ये सिक्स ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है। तो अब इस केस में, जब इस केस में मुझे बताओ, इस साइकिल पे जब होगा तो डी वन इस समय फॉरवर्ड बायस होगा, और इस साइकिल में डी टू रिवर्स बायस होगा। एग्री करते हो? इस ये जब ऐसा वोल्टेज होगा प्लस और यहाँ माइनस, तो डी वन फॉरवर्ड बायस है और डी टू रिवर्स बायस है। तो उस केस में ये जो सर्किट है इसमें क्या होगा, जरा देखो। तो ये मैं नीचे बना देता हूँ। ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका ओपन रहेगा, और प्लस माइनस, ठीक है। ये आपकी ये स्टेट है। तो बेटा बताओ मेरे को, दिस इज प्लस, ये प्लस है ना, ये प्लस है मतलब, ठीक है। अब जब दूसरी साइकिल आई, जब ये वाली साइकिल आएगी, दूसरी वाली, जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी सिग्नल की, ऊपर का माइनस हो जाएगा, नीचे का प्लस हो जाएगा, तो इस वाले में डी वन रिवर्स बायस हो जाएगा और डी टू फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब देखो उसमें क्या होने वाला है। उस केस में जब मैं यहां डायग्राम बनाऊंगा, फिर से दिखा रहा हूं, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला रिवर्स बायस है, और ये अभी भी प्लस है। तो तुमने नोटिस किया, ये पोलैरिटी हमेशा सेम, इसको 0 वोल्ट मान लेंगे। ये पोलैरिटी बाहर में चेंज नहीं हो रही है। तो इसको अगर मैं नीचे एक और इसके बनाता हूं, तो आउटपुट को अगर देखोगे, ये आया ऐसे करके, मतलब ये वाला पार्ट भी अवेलेबल है, बट खुद देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो ना, यहाँ तो हमेशा डायरेक्शन एक ही रह रही है ना। तो ये अब आपने क्या किया इसमें, इसमें आपने दोनों साइकिल्स जो हैं सिग्नल की, उनका यूज कर लिया है, उनका यूज कर लिया है। तो ये जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो अच्छा थोड़ा सा इसमें, इस वाले में एक डिसएडवांटेज है सेंटर टैप्ड में। अच्छा ज्यादा एकदम से नहीं बताऊंगा। अब पहले डालो फुल वेव रेक्टिफायर, हेडिंग डालो फुल वेव रेक्टिफायर, थोड़ा वर्ड्स में लिख पाता हूँ। हेडिंग डालो फुल वेव रेक्टिफायर, और उसमें लिखो, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, बोथ द साइकिल्स ऑफ इनपुट सिग्नल, बोथ द साइकिल्स ऑफ इनपुट सिग्नल आर अवेलेबल एट द आउटपुट। बोथ द साइकिल्स ऑफ इनपुट सिग्नल आर अवेलेबल एट द आउटपुट। इन दिस वी आर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। इन दिस वी आर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। इसमें एक डिसएडवांटेज वो ये होता है कि, सुनना बेटा, अब यहां जो जितना पूरा
इस यहाँ का जो भी वोल्टेज है उसका केवल हाफ ही मिलेगा। हाफ देखो ना, ये जो भी वोल्टेज है यहां से लेकर यहां तक के बीच में, जो भी वोल्टेज इनके बीच में है उसका उसका केवल हाफ आएगा, क्योंकि आपने सेंटर टैप यूज किया हुआ है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डायग्राम बनाया अभी मैं समझा रहा हूं ना, इतना इतना। अब डायग्राम बनाओ, अभी केवल ये वाला डायग्राम बनाओ। केबल डायग्राम बनाओ, VN, V out। ये डायग्राम बना लिया। सर एक मिनट। अरे तुझे लगा होगा डायग्राम बनाने में, ये तो इसमें क्या है सर, अभी केवल ये डायग्राम बना के मैं कुछ लिख पाऊंगा। लिखो, इन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, इन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर ओनली ओनली हाफ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज अवेलेबल। Only half voltage of secondary only half voltage of secondary is available at the diodes। For one cycle, D1 is forward biased। For one cycle, D1 is forward biased and D2 is reverse biased। And D2 is reverse biased। For the next cycle, D1 becomes reverse biased and D2 gets forward biased। And D2 gets forward biased। अब ये डायग्राम बनाओ, ये वाला साथ में ये वाला। पहले ये बना लो, पहले ये दो बना लो, पहले ये दो बना लो, फिर वो बना लेना।
कि पहले ये दो बनाओ कि फिर ऊपर का बनाओ। बना लिया सर, 1 मिनट। हो गया। यस सर। अरे बना नहीं, यस सर, बना दिया। अब इसमें एक चीज बताना चाहेंगे। इसमें भी फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा। फिल्टर में यहाँ कैपेसिटर आएगा, तो उस केस में जो कहानी बनेगी देखो, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर ऐसे करता, वही रिपल ही रहेगा। इसमें भी मतलब वैसे ही बना लो जैसे उस पहले बनाया था। बनाओ ये डायग्राम। इसमें लिखो, थोड़ा लिखो, सिंस आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग डीसी, सिंस आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग डीसी, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग डीसी। सर, ये तीसरा डायग्राम बनाने के बाद लिखना है। नहीं, हाँ ये बना लो पहले, या फिर पहले लिखो फिर डायग्राम बनाना। सिंस आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग डीसी, अ फिल्टर सर्किट इज यूज्ड, अ फिल्टर सर्किट इज यूज्ड विच विल रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। अभी डायग्राम बना लो। सर, कैन यू रिपीट आफ्टर हाई फ्रीक्वेंसी? फ्रॉम द इनपुट सिग्नल
बना यस सर। और इसमें जो अब आपको याद रखना है वो ये लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर है। अच्छा चलो यहां देखो समझा देता हूं। इसमें इसमें दिस इज द टाइम पीरियड टी। इसमें चलो इसको पहले तुम अपना अलग से लिख लेना, मैं थोड़ा साफ करके। अब ठीक है, ये टाइम पीरियड है। इसमें इसमें टाइम पीरियड ऑब्वियसली टी बाय टू हो गया। इसमें टाइम पीरियड टी बाय टू हो गया ना। इसमें इसमें तो पूरी साइकिल इतने समय में खत्म हुई। इसमें इसमें साइकिल का टाइम पीरियड टी बाय टू है। तो इसमें भी अगर देखेंगे रिपल वाले में भी तो टी बाय टू है। सो व्हाट इज व्हाट दे विल आस्क, वो ये कहेंगे कि अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी एफ है इनपुट की तो यहां फ्रीक्वेंसी टू एफ है। लिखो इसमें, इसमें एक स्टेटमेंट लिखोगे, लिखो इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज एफ हर्ट्स, इज एफ हर्ट्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल सिग्नल then the frequency of the ripple signal is 2f. एक और इंफॉर्मेशन, सही है। इसमें अगर वी आर एम एस निकालोगे तो वी नॉट बाय रूट टू ही आएगा। ऑब्वियसली इसमें भी वही होगा क्योंकि इसमें इतनी ही तो साइकिल है। देखिए डायग्राम बना, मतलब आरएमएस वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर की वही है जो इनपुट सिग्नल की है। तो दूसरा ग्राफ में फ्रीक्वेंसी वी नॉट बाय टू होगी ना हाँ बेटा, सर? दूसरा वाला ग्राफ है अपना रिपल वाला, उसमें वी नॉट बाय टू होनी चाहिए ना फ्रीक्वेंसी। नहीं मैं ये जो है, हाँ समझ, ये जो है बेटा सेंटर टैप्ड वाला पार्ट दिखाया। ये जो दिखाया है ना वोल्टेज, ये जो वोल्टेज दिखा रहा हूं ना, ये इतने पार्ट के दिखा रहा हूं, इतने पार्ट का, ओके सर। ये इतने पार्ट का ही वोल्टेज है, पीक वोल्टेज। अच्छा वो पूछ लिया, इतने पार्ट का वोल्टेज है जो यहां के बीच की पीक वैल्यू
लिख लिया? यस सर। चलिए अब आगे रेक्टिफायर सीख लिया, अब एडिन डालो। और भी डायोड्स के यूजेस हैं, ये डायोड का लिखो, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। सिंबल लाइट एमिटिंग डायोड का देखो पहले, तो ये तो डायोड हो गया, ये सिंबल होता है उसका, लाइट एमिटिंग एलईडी, शॉर्ट फॉर्म इज एलईडी। ये तो तुम रोज देख ही रहे हो ना एलईडी, जो कुछ भी जो जलता रहता है, ऐसे छोटी सी बल्ब जो रहती है एलईडी। सबसे पहले लिखो लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड converts electrical energy into light energy. एक सेकंड जरा रुको, light emitting diode converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, ठीक है। द डायोड, अब आगे लिखो, द डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, द डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। Due to this reason, the majority carriers diffuse through the depletion layer, across the depletion layer. The majority carriers diffuse across the depletion layer. Some of the carriers will recombine. Some of the carriers will recombine. But the diffuse ho rahe electrons and holes. Some of the carriers will recombine. Bracket mein likho. Electron from conduction band. During diffusion, some of the carriers will recombine. उसमें मैंने लिखा है ब्रैकेट में, the electron from conduction band, the electron from conduction band will come into the hole of valence band, will come into the hole of valence band. Upar conduction band se valence band mein jayega, hole mein. Matlab high energy se low energy mein come, matlab diffusion ho raha hai, electron holes move kar rahe, electron will jump from conduction band to valence band, high energy to low energy. Obviously hole is, the energy is at lower level, will jump from conduction band to valence band. In this recombination process, in this recombination, photon energy is released. Photon energy is released. लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, अब हेडिंग डालो, फोटो डायोड।
ये सिंबल है, सिंबल बन गया। इसमें लिखो फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। द डायोड इज कनेक्टेड इन reverse bias condition. Due to this reason, there is no diffusion current. Due to majority carriers. ठीक है, but तुम्हें याद होगा, but very small current flows because of the minority carriers. And this current is called drift current. ठीक है, तो हुआ क्या, आगे बताओ। एंड दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। तो अब होता क्या है इसमें, ये जो डायोड है ये आपका रिवर्स बायस में आपने कनेक्ट तो कर दिया। अब हो क्या रहा है, बहुत स्मॉल करंट है ड्यू माइनॉरिटी कैरियर, सो इस पे अगर लाइट गिरती है, इस पे अगर लाइट इंसिडेंट है, इस पे अगर लाइट इंसिडेंट है तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑब्वियसली ब्रेक होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाएंगे एंड द करंट विल इंक्रीज। होता क्या है, अभी जो फ्लो हो रहा है करंट माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण से ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इफ लाइट इज इंसिडेंट मोर बॉन्ड्स विल ब्रेक इंक्रीजिंग द माइनॉरिटी कैरियर्स हेंस इंक्रीजिंग द करंट। तो अब हम लाइट को करंट में कन्वर्ट करें, ज्यादा लाइट गिरेगी ज्यादा करंट होगा, ये कहने का मतलब है। इट इज कन्वर्टिंग लाइट इनटू करंट। तो इसमें लिखो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डायोड मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक। More covalent bonds will break, and this will increase the minority carriers. Hence, the drift current. If you remember, diode का मैंने बताया था आपको, एक explanation तब नहीं दिया था, but still voltage और current में मैंने बताया था कि reverse bias के केस में एकदम से एक जगह पे आके current एकदम से बढ़ता है और हम कहते हैं breakdown, ये breakdown voltage है diode का, ये वाला।
अब फिर उसके बाद कितना ही वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज मतलब आप टर्मिनल स्टेट में वोल्टेज, अच्छा रुको पहले तो समझ ले कि ब्रेकडाउन हुआ क्यों। फॉरवर्ड बायस में तो एकदम से करंट बढ़ता है, रिवर्स बायस में एक लिमिट के बाद ऐसा। अब कॉज ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ डायोड लिखो, पहले कॉज लिखो, कॉज ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन, कॉज बताऊंगा क्यों हुआ। कॉज ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, तो क्या कारण है वो बता रहा हूं आपको। देखो क्या हो रहा है, रीजन समझा रहा हूं कि क्यों एकदम से ऐसा कंडीशन बना। ये पी साइड है, ये एन साइड है, रिवर्स बायस किया हुआ है, रिवर्स बायस किया हुआ है मतलब ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और अब वोल्टेज बढ़ा रहे हो एकदम से, फिर ये कंडीशन आएगी। क्यों हुआ ऐसा पहले बताओ। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई, सही कह रहे हो सर, बढ़ गया। पी साइड मतलब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है। और यहां पर भी आपका ये सब है, अब 2 मिनट रुकोगे तो समझाऊंगा। हो क्या रहा है यहां पर, कौन से आयन यहां से, यहां होल नहीं जा रहा है बेटा, यहां से यहां होल नहीं जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहां से होल जा रहा है, माइनॉरिटी कैरियर, ये माइनॉरिटी है। ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना इसको, पी को मैं अलग कर देता हूं तो कभी कंफ्यूजन होने लगे। ये तो तुम समझ गए कि माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं स्मॉल करंट। अब एकदम से क्या हुआ सर ये तो बताओ बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा यहाँ पे क्या अंदर डेवलप हो रही है, बोलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी। हाँ सर ये तो सही कह रहे हो, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा हो गई है, तो जो ये माइनॉरिटी कैरियर्स को मूव करने का जो यहाँ डिस्टेंस है वो ज्यादा है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स डिप्लीशन लेयर में जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन माइनॉरिटी कैरियर्स को एक्सेलरेट करेगी, बिल्कुल करेगी, एक्सेलरेट करेगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं तरीके से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, जब ये यहां पर एंटर करेंगे तो यहाँ ये बॉन्ड को और ब्रेक करने में हेल्प करने लगेंगे, एवलांच, इसको एवलांच ब्रेकडाउन। वापस क्या हो रहा है, आफ्टर अ सर्टन वोल्टेज इन रिवर्स बायस कंडीशन द माइनॉरिटी कैरियर्स व्हेन दे मूव थ्रू द डिप्लीशन लेयर दे गेट एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे गेन हाई काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेन दे एंटर into the semiconductor region, they collide and help in breaking more bonds. Bonds टूटने शुरू हो जाते हैं ज्यादा, तो एकदम से bonds टूटने लगेंगे तो minority carriers बढ़ने लगेंगे, minority carriers बढ़ने लगेंगे तो current बढ़ जाएगा एकदम से, ये reason होता है। फिर से समझो, diagram बना लो, diagram बनाओ पहले, तो चलो पहले diagram बनाओ। कौन सा side वाला है graph? ये तो बनाना ही है, और ये वाला बनाओ, बिल्कुल साफ सुथरा बनाया है मैंने, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। मेक द डायग्राम,
डायग्राम बन गया। डायग्राम अच्छा बना लो फिर लिखवा दो। लिखवाऊंगा ना थ्योरी अभी। लिख लिया सर। अब इसमें लिखो इन रिवर्स बायस कंडीशन एज द वोल्टेज इज इंक्रीज एज द voltage is increased, the depletion layer thickness will also increase. The depletion layer thickness will also increase. The small current ब्रैकेट में लिखो ड्रिफ्ट करंट, द स्मॉल करंट ब्रैकेट में लिखो ड्रिफ्ट करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। सर विल फ्लो के बाद क्या ड्रिफ्ट करंट ब्रैकेट में लिख मैंने बोला था इन रिवर्स बायस कंडीशन अ स्मॉल करंट ब्रैकेट में लिखो ड्रिफ्ट करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। व्हेन दीज माइनॉरिटी कैरियर्स, व्हेन दीज माइनॉरिटी कैरियर्स मूव थ्रू द डिप्लीशन लेयर, मूव थ्रू द डिप्लीशन लेयर they are accelerated by the electric field, when these minority carriers enter the semiconductor portion enter the semiconductor portion help in breaking more covalent bonds, this will further increase the current.
this will further increase the current. Aur ekdum se current badh jata hai. In the breakdown region, as we increase the voltage, the current starts increasing in large. The current starts increasing in high with high value. Current badhne lagta hai. The current starts increasing and the current starts increasing. फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज नहीं बढ़ता, डायोड के अक्रॉस करंट बढ़ने लगता है केवल. मतलब जो डायोड को अगर आपने रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन में ले जा रहे हो, तो फिर आप यहाँ के बीच का, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये वोल्टेज नहीं बढ़ेगा. आपने अगर इसको, इसके वोल्टेज को ब्रेकडाउन से ज्यादा कर दिया, तो कुछ यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज नहीं बढ़ता है, बस करंट बढ़ने लग जाता है. क्यों होता है मैं समझा नहीं पाऊंगा यार, मुझे खुद ही नहीं याद है इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा था. कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज्यादा है, तो यहाँ पे केवल ब्रेकडाउन वोल्टेज ही बन जाएगा और करंट बढ़ने लग जाएगा. इफ दिस वोल्टेज इज मोर देन ब्रेकडाउन, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ब्रेकडाउन ही रहेगा, तो बचा हुआ कहाँ ड्रॉप होगा, बचा हुआ कहाँ गया, वो नहीं समझा पाऊंगा मैं अभी. बचा हुआ कहां गया वो नहीं बता पाऊंगा, बट इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज इस ग्राफ के हिसाब से देख लो ना, कहां बढ़ रहा है वोल्टेज. तुम कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे रिवर्स बायस में, यहां वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, केवल क्या बढ़ रहा है उसका डायोड का, करंट बढ़ रहा है. तो मैं बोलना ही चाहता हूं, इफ द इनपुट सिग्नल इज मोर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, is more than the breakdown voltage, then the voltage across the diode will remain equal to breakdown voltage, then the voltage across the diode will remain equal to breakdown voltage, but current will increase. आगे जीना डायोड और करा दूं तो डायोड वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर ट्रांजिस्टर 2-3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा. 15 नवंबर तक खत्म कर दूंगा सिलेबस. ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, सिंबल इसका जो है जहां तक मेरे को याद आता है कुछ ऐसा होता है सिंबल. डायग्राम बना लो पहले, इसका सिंबल बना लो. उसमें लिखो ज़ीनर डायोड इज यूज्ड फॉर maintaining a constant voltage at the output. It's used for maintaining a constant voltage at the output. With fluctuation in, अभी लिखवा के फिर समझाऊंगा. With fluctuation in input voltage, there will be no change. With fluctuation in input voltage, there will be no change in the output voltage.
इन द आउटपुट वोल्टेज. अभी समझ में आएगा. ज़ीनर डायोड इज यूज्ड इन, ज़ीनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन. In reverse bias condition, but in breakdown region. But in breakdown region. अब देखो ये जो वोल्टेज है ये हमेशा ब्रेकडाउन के बराबर ही रहेगा. अब इससे बढ़ेगा नहीं. सुनना, पहली बात तो वी इन इज मोर देन वी बी, मतलब ये वाला वोल्टेज वी बी से बड़ा है तो यहां हमेशा वी बी बना रहेगा. मतलब यहां पे अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आउटपुट में नहीं होगा. ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं बताता हूं. यहां जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है अभी वो होगा वी इन माइनस वी आर इक्वल टू वी आउट. ये तो क्लियर हो गया. वी आउट इज इक्वल टू वी वी ब्रेकडाउन के बराबर. अगर अगर ये सडनली बढ़ा, स्पाइक आया इसमें स्पाइक आया, ये वोल्टेज एकदम से बढ़ गया और बढ़ गया, एक स्पाइक आया एकदम से बढ़ा. मैं ये प्रूफ करूंगा will remain constant. ये constant रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा. If V in, मतलब पहली बात V in VB से बड़ा है, अगर ये और किसी कारण से बड़ा और बढ़ गया ये नहीं बढ़ेगा. क्यों सर ये बता दो, जितना मैं कहता हूं तो समझा दूंगा बेटा. ये बढ़ेगा, तुम्हें पता है डायोड में एकदम से करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना. याद करो अभी मैंने बताया था रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन से इसके बढ़ने से करंट एकदम से बढ़ता है, बढ़ा, ये बढ़ेगा. हेंस आईआर विल इंक्रीज, यहां वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा. ये बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ये भी उतना ही बढ़ जाएगा उस कारण से. दिस ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, पर ये नहीं बढ़ेगा उसका. ये ऐसा कुछ होगा कि ये हमेशा कांस्टेंट बनेगा. इफ वी इंक्रीजेस आई इंक्रीजेस, हेंस आईआर विल आल्सो इंक्रीज, बट दिस विल रिमेन कांस्टेंट. ऐसा कुछ बोर्ड के लिए देख लेना. अगर YouTube पे और किसी का लेक्चर में मिल जाए ज़ीनर डायोड को तो जरूर देख लेना. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छा बताया होगा ज़ीनर डायोड, और कोई जरूरत नहीं. एलईडी वैलिडी वो सब तो ठीक बता दिया. ये अगर इसमें कोई डाउट आता है जरूर देखना ज़ीनर डायोड का, कहीं कोई कोई तो बताई गई, पर इससे ज्यादा ऐसे ही बताएगा जो भी बताएगा. पहली बात वी इन इज मोर देन वी बी, आउटपुट इज इक्वल टू ब्रेक डाउन. ये स्पाइक ये लेकिन हमेशा वीबी से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि वीबी से कम हो गया, कम हो गया तब नहीं रेगुलेट कर पाएगा. ये वाला वोल्टेज हमेशा जो भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है बढ़ रहा है, कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, बट दिस वोल्टेज शुड ऑलवेज बी मोर देन ब्रेकडाउन. तो आउटपुट में जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन के बराबर ही बना रहेगा. देख लो यार, ज्यादा तुम नहीं समझा पाऊंगा. इंजीनियरिंग में जाओगे तो डिटेल्ड में समझोगे और समझ में नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ. आ जाए तो जरूर मुझे, मेरा नंबर यही रहेगा, व्हाट्सएप कर देना. सर मेरे को तो समझ में आ गया. इतना ही था आज. अभी अगली क्लास में दो क्लास में एक दो क्लास ट्रांजिस्टर और दो क्लास गेट्स.